राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज बिल्कुल नया वीडियो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी सारे घर के काम खत्म करके इवनिंग के टाइम में फार्म पे जा रही हूँ और यहाँ पे हमारे फार्म से बहुत नज़दीक है घर से। और यहाँ पे जाते जाते हमने देखा कि यहाँ पे हमारे बफेलों के बच्चे यहाँ पे छुप रहे थे, तो क्योंकि उनको वापस शाम को बांधना अच्छा नहीं लगता, वो खुले में घूमना अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो कैसे छुपके से बैठे थे, और फिर डंडा हाथ में लिया तो फिर बहुत भागते हैं। और भागने भागने देखो ये अटक गया बीच में, अभी उसको निकालना होगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इसको पैर में भी दर्द करेगा और या गिर जाएगा। और कोशिश कर रहा था इसे भागने की, फिर मैंने उसको निकाल लिया धीरे से और अभी ये उस और चला गया। और ये देखो कैसे चुपके से वैसे देख रहा था हमको बस। और ये सबको अभी बांध देते क्योंकि ये शाम के टाइम इनको बांधना होता है, नहीं तो ये खुले में कहीं भी जाते हैं इधर उधर तो अंधेरे में फिर खो जाते हैं, इसलिए इनको शाम होने से पहले हम पहले बांध देते हैं, क्योंकि बाद में हमें मिल्किंग करनी होती है तो हमें टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम फटाफट से पहले इनको बांध देते हैं फिर बाद में हमारे काम स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत अच्छा बच्चा है, अपनी जगह पे आराम से खड़ा रहता है, उसको याद होती है उसको शाम के टाइम यही रुकना है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते ना इसीलिए। और जो अच्छे होते हैं तो फिर उन पर प्यार भी बहुत आता है, जो तंग नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और फटाफट से हमने सारे को एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया और उसको बांध दिए फिर सबको। अभी हमने बिछड़ों को भी बांध दिया है और बाकी के भी काम निपटा लिए। अभी खली लेकर दूध खाने के लिए जाएंगे हम अभी, और जाते जाते हमारे इन लाडलों को हम कैडबरी खिलाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। और फिर अभी ये बफेलों को खिलाएंगे और उसके बाद ही मिल्किंग करते हैं, क्योंकि इसे ये दिन ही खिलाए तो ये बैठने भी नहीं देती नीचे दूध निकालने के लिए। और इसका अच्छा मर चुका है इसलिए इसको हाथों से सहलाना सहला के दूध रिलीज करना होता है, तब जाके वो दूध रिलीज करती है और फिर फटाफट से निकाल लेते हैं। और अभी अच्छे से पानी से धोएंगे इसको और फिर हम वॉश कर सॉरी आज हम रियल मिल्किंग की साउंड आपको ओरिजिनल मिल्किंग की नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारे फार्म के बाजू में ही मैरिज हॉल है, वहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग लगते हैं तो वो हमारे वीडियो में आते हैं, उससे हमें कॉपीराइट मिलता है, इस वजह से हमें ये म्यूट करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बफेलो मिल्किंग की वीडियो प्लीज़ अपलोड करो राधा दी, इसीलिए आज हमने फिर से मिल्किंग की वीडियो अपलोड की है। लेकिन सॉरी अभी इसमें आवाज़ रियल साउंड नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे कि वो मैरिड हॉल से पहले निकाल ले वीडियो। लेकिन यहाँ पे ये अभी बहुत मैरिड के मैरिड चल रहे हैं अभी, तो ये मैरिड की स्टार्ट होती है सुबह से तो शाम तक शाम पूरा दिन वो म्यूज़िक चलता रहता है, हमारे टाइमिंग में भी आता है इसलिए गड़बड़ हो जाती है।
और फिर फटाफट से हमने मिल्किंग कर ली और बाकी के भी काम करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अभी मैंने मिल्किंग भी ख़त्म कर ली है और अभी हमारे दूसरे बफेलोज के मिल्किंग भी स्टार्ट होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम होता है हम लोगों को ये सब काम ख़त्म करते करते। और यहाँ पे हमारे जो सारे बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे हो हमारे। और अभी ये दूध को हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे। और अभी ये मैंने बोला था ना, हमें नया फेलो लिया है, अभी ये उसका बेबी है और ये बहुत छोटा सा है लेकिन इसके नखरे बहुत ज़्यादा है। अभी देखो मैं कितना भी खींच रही थी, वो आ ही नहीं रहा था अंदर दूध पीने के लिए। फिर उसको बोलते हैं ना डंडे से भागते हैं सब, फिर मैंने उसको रस्सी से हल्का सा मारा तो फिर वो ऊपर आ गया। और अभी यहाँ पे उसको दूध पीने के लिए छोड़ा है। और ये नई बफेलो बहुत डेंजरस है, वो पास आते हैं ऐसे हंसी रिलाती है, फिर हमें बहुत डर लगता है लेकिन हम जाते फिर भी ताकि उसको मेरी आदत सी लग जाए। और अभी उसको दूध पिलाते हैं। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।